तो गल करांगे बहुकरोड़ी सिंचाई घोटाला मामले की जांच तेज कर दी गई है। जांच का दायरा होर ज्यादा अगे वधा दिता गया। सिंचाई घोटाले बयान दर्ज कराने के लिए पन्नू पहुंचे और विजिलेंस भवन मोहाली पहुंचे कहन सिंह पन्नू। एक बार फिर तो दस दिए कि कहन सिंह पन्नू विजिलेंस भवन मोहाली पहुंचे। बीते घंटे तो पूछ पड़ताल लगातार जारी है। मुलजम गुरिंदर सिंह के कबूलनामे तो बाद जांच तेजी आई है और जांच के लिए AIG पद के अधिकारियों की अगुवाई के तहत एक टीम का गठन किया गया। कई श्रोमणी अकाली दल के आगुआ दे IAS ऑफिसर्स ते भी घोटाले के इल्जाम लगे ने। कई IAS ऑफिसर ने जिन्हों से शिकंजा कसया जा सकता है। कई श्रोमणी अकाली दल के भी आगू दसे जा रहे ने जो रडार से होंगे। तो बहु करोड़ी सिंचाई घोटाला मामला है। मुलजम गुरिंदर सिंह का कबूलनामा उस बाद जांच दे विच तेजी आई। विजिलेंस भवन मोहाली काहन सिंह पन्नू पहुंचे। बीते घंटे तो पूछ पड़ताल लगातार जारी है। कई सवालों का जवाब काहन सिंह पन्नू नू देना होगा। AIG पद के अधिकारियों की अगुवाई के तहत जो टीम गठित की गई है उस टीम के तमाम अधिकारियों के वालों पूछ पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है। दस दिए कि मुलजम गुरिंदर सिंह ने जो कबूलनामा किया उस बाद जांच दे विच एक टर्निंग पॉइंट आया, एक तेजी आई है पूरी जांच दे विच। बीते घंटे तो पूछ पड़ताल लगातार जारी है। विजिलेंस भवन के बाहर तस्वीरें तुम अपनी टीवी स्क्रीन से देख सकते हो। विजिलेंस भवन के विजिलेंस विभाग के अधिकारियों के सामने पेश हो चुके हैं काहन सिंह पन्नू और कई तरह के सवाल उन्होंने को पूछे जा रहे हैं और सही जवाब उन्हों का की होएगा, केड़े केड़े सवाल का उन्होंने सही जवाब दिता पन्नू ने और की कुछ कितने छुपाया भी गया है। इसी विजिलेंस विभाग के वालों जांच भी की जाएगी। बहु करोड़ी सिंचाई घोटाला मामले के जुड़ी हुई है पूरी खबर है। इस मामले के कबूलनामा किया गया उस बाद विभागी कार्रवाई तेज कर दी गई। मनोज जोशी साढ़े नाल एक बार फिर तो जुड़े ने। मनोज पूरा मामला की है भी दसो और कितना वक्त हो चुके हैं कान सिंह पन्नू विजिलेंस ऑफिस दे विच पहुंचे हुए ने। जी पूर्व IAS अफसर ने कान सिंह पन्नू जिहड़े कि करीबन एक घंटे तो विजिलेंस भवन पहुंचे हुए ने ते अज उन्होंने विजिलेंस ने अपने बयान दर्ज करने लई बुलाया सीगा। जिहड़ा अकाली सरकार दे दौरान सिंचाई घोटाला होया सीगा उस मसले नूं लेके जो ठेकेदार पकड़े गए सी गुरविंदर सिंह उन्होंने वालों कई पूर्व मतलब कि जोड़े उस टाइम के अधिकारी थे उन्होंने पर रिश्वत लेन दे और नेतावान पर आरोप लगाए थे। उसी लेकर जो कान सिंह पन्नू थे इन्होंने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री उन्होंने कि मैं बिल्कुल बेकसूर है, मेरा नाम गलत किया जा रहा है। उसी मसले को लेकर जी विजिलेंस ने उन्होंने अब बुलाया था अपने बयान दर्ज करवाने वास्ते तो वो तकरीबन 4 बजे के इतने आए हुए हैं, हाले अंदर ही ने जी। तो जो भी बाहर निकलते हैं उन्होंने गलबात की जाऊगी पर वह सारे ये मसले को लेकर जो सिंचाई घोटाला की होया ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। कोई भी अपडेट होएगा सारे तक जरूर पहुंचा। दस दिए कि सिंचाई घोटाला 2017 के उस समय सामने आया जो विजिलेंस विभाग ने ठेकेदार गुरिंदर सिंह गिरफ्तार किया।